हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आई एम गौतम दीक्षित, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैटरडे का अगस्त 14, 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहला जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट आ रहा है, मोर अफगानिस्तान सिटीज़ फॉल एज तालिबान नियर्स काबुल। तो अगर आप अब देखेंगे तो ऑलरेडी द तालिबान ऑफेंसिव इज़ ऑन राइज इन अफगानिस्तान। जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो अब तालिबान के कंट्रोल में है, अब वो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं एक अफगानिस्तान के। द सेकेंड बिगेस्ट सिटी इज़ कांधार, विच इज़ राइट नाउ इन द हैंड ऑफ तालिबान। ओके, नाउ सम ऑफ द सिटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट एंड विच आर स्टिल इन द गवर्नमेंट हैंड्स आर काबुल, मज़ार ए शरीफ, जलालाबाद एंड अदर टेरिटरी विच आर इन गवर्नमेंट हैंड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, और ये ऑफेंसिव जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। कंधार का फॉल होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है तालिबान के लिए और फेलियर है वहाँ के गवर्नमेंट के लिए। सो नाउ इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस, ऑल द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंडिया, दे आर पुलिंग बैक, दे आर कॉलिंग बैक देयर ऑफिशियल्स हु वर्क इन देयर कंसुलेट। इसके बारे में एडिटोरियल्स भी आया हुआ है और फॉरेन अफेयर्स में न्यूज़ भी आया हुआ है, जहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तालिबान की स्ट्रेटेजी क्या थी, हाउ दे कॉन्कर्ड अफगानिस्तान एंड हाउ दे डिड दैट। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, वी विल डिस्कस दैट। इन द मीन टाइम इन द साइड यू कैन सी दैट अफगान स्टूडेंट्स एट दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, दे आर फियरिंग बैक फ्रॉम गोइंग टू होम। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो आ रहा है यहाँ पे, दैट असम असेंबली हैज़ पास द काउ प्रोटेक्शन बिल। द बिल इज अबाउट बैनिंग द काउ प्रोटेक्शन एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस इन असम। नाउ तमिलनाडु के बारे में हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु के रिसोर्सेज कितने कम हैं, हाउस टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस एक ऐसा है कि जिसको बढ़ाया जा सकता है। नाउ द डीएमके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, दे हैव अनाउंस्ड अ मेजर डिसीजन कि जो टैक्स होता है पेट्रोल पे, वो रुपीज़ 3 इट हैज़ बिन डिक्रीज। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द एमके स्टालिन गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं असम काउ प्रोटेक्शन बिल का। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस बिल का जो नाम है वो है असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021। इसका एम क्या है, टू रेगुलेट द स्लॉटर कंजम्पशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल। नाउ दिस एक्ट इज गोइंग टू रिप्लेस द लेजिस्लेशन ऑफ द असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1950। Now it also aims at forbidding or prohibiting the sale and purchase of beef in places other than those which has been permitted. मतलब आप हर जगह बीफ का सेल नहीं हो सकता, खास करके उन एरियाज में which are predominantly inhabited by Hindu, Jain, Sikh and other non-beef eating community. और कोई temple है या कोई वैष्णव monastery है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में भी there will be no selling or buying of beef. There can be certain exemptions for certain religious occasions. The next is कि ये जो law है, it prohibits the person from slaughtering the cattle without obtaining the necessary certificate from the veterinary officer. अच्छा, अगर veterinary officer जो है वो जो grant करेगा permission, वो उन्हीं bovines के लिए grant करेगा जिनकी age 14 years से ज़्यादा है. Okay, अगर कोई cow है और calf है which has been incapacitated, तो उसके लिए स्लॉटरिंग हो सकती है, बट उसके लिए भी लाइसेंस और लेना होगा, और वो हर जगह नहीं हो सकता, सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्लॉटर हाउस में ही हो सकता है। द थर्ड इज द न्यू लेजिस्लेशन विल चेक ट्रांसपोर्ट ऑफ बोवाइंस विद इन द स्टेट और आउटसाइड। सो इफ यू विल सी दैट असम के थ्रू जो है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोवाइंस टेक प्लेस टू मिजोरम एंड मेघालय, तो हमने पास्ट में डिस्कस भी किया था कि बिकॉज ऑफ दिस देयर इज सम टेंशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एडिटोरियल में हम बाद में आते हैं, आज का एडिटोरियल सारे इंपॉर्टेंट हैं। द सेकेंड विच वी आर टॉकिंग इज अबाउट मोर प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैंड। नाउ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ इशूड द नोटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। बाय नेक्स्ट ईयर वी कैन सी दैट सम सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जिसको हम एक बार यूज करके थ्रो कर देते हैं। सो सिंगल यूज प्लास्टिक्स लाइक ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक पैग्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशंस, प्लेट्स, कप्स, कटलरी, फॉर्क्स, स्पून्स, ऐसे जितने टाइप के जो आर्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में और जो 100 माइक्रोन से कम हैं,
वो सब बैन कर दिए जाएंगे। ओके, और खास करके यहाँ पे जो ये रेगुलेशन है वो उन मटेरियल्स पे टारगेट कर रहा है, पैकेजिंग मटेरियल पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, बट उन मटेरियल्स को टारगेट कर रहा है विच आई हैव वेरी लो यूटिलिटी एंड बट वेरी हाई लिटरिंग पोटेंशियल। का मतलब कि उनका यूज़ जो है बहुत ही लिमिटेड है, बट जो उनका जो गार्बेज करने का जो उनकी पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। पर इसमें फिर से आप याद रखिए कि हम इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर हम आज का रूल देखें तो करेंटली देर इज़ अ रूल दैट प्लास्टिक्स फॉर कैरिंग बैग कैन नॉट बी लेस देन 50 माइक्रॉन, बट यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है कि अब 100 माइक्रॉन के नीचे की सारी चीज़ें बैन होंगी। इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लिया हुआ था 2019 में एट द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, वेयर एट द 4th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली इंडिया पायलटेड द रिजोल्यूशन ऑन एड्रेसिंग द पॉल्यूशन कॉज्ड बाई सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो उन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बोला एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें एक मुद्दा एनवायरनमेंट भी था। ओके, तो उसमें ये माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट था कि दैट वी शुड प्रोटेक्ट द ओशनिक एनवायरनमेंट स्पेशली फ्रॉम द माइक्रो प्लास्टिक्स। अब हम आते हैं दैट न्यू म्यूजियम्स आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर मिनिस्ट्री। अगर हमें न्यू म्यूजियम्स देखेंगे तो न्यू म्यूजियम किस किस के बारे में आ रहा है, तो न्यू म्यूजियम इज़ गोइंग टू कम अपॉन जम्मू एंड कश्मीर, गौतम बुद्धा, इंडियन आर्मर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। ये चार न्यू म्यूजियम्स आ रहे हैं, इन्हें सेटअप कौन करेगा? दे विल बी सेटअप बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लुक्स आफ्टर दिस सेटिंग अप ऑफ म्यूजियम। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर ही इंपॉर्टेंट है दैट द म्यूजियम्स आर गोइंग टू कम अप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, गौतम बुद्धा, इंडियन आर्मर एंड फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है लास्ट में दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एक और म्यूजियम है जो डेवलप होने जा रहा है रेड फोर्ट पे बाय द एंड ऑफ ऑगस्ट अक्टूबर, विच विल शो द आर्म्स एंड आर्मर्स ऑफ इंडिया थ्रू एजेस। द सेकेंड वन विल बी अबाउट सेटिंग अप द म्यूजियम फॉर फ्रीडम फाइटर्स एट द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता, जिसको हम इस मेमोरियल को हम कहेंगे बिप्लोबी भारत, बिप्लोबी भारत। अब हमें तालिबान का डिस्कस कर लेते हैं, तालिबान गेंस कॉम्प्लिकेट इंडियाज ऑप्शन। तो हमने जैसे कि बहुत बार डिस्कस किया है कि इफ तालिबान कम्स इन अफगानिस्तान तो इंडिया के पास क्या क्या, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम होगा और इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो इसको आज हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया का पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शन है, फिर हम उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम इंडिया के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। दैट द फर्स्ट कंसर्न दैट इफ द तालिबान कैप्चर्स द पावर इन अफगानिस्तान, द फर्स्ट कंसर्न इज अबाउट द इवैक्यूएशन ऑफ डिप्लोमैट्स, पर्सनल्स एंड सिटीजन्स हु आर लिविंग इन अफगानिस्तान। ओके, एंड ऑलरेडी इफ यू विल सी दैट इंडिया इज मूविंग आउट इट्स कंसलेट एक्सेप्ट लाइक, अगर आप पास्ट मंथ में देखेंगे तो कांधार और मज़ार यहाँ पर जो इंडिया के कंसलेट थे उनको बंद कर दिया गया है और इस वक्त सिर्फ काबुल का ही मिशन चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ गोइंग ऑन, सो लाइक अदर कंट्रीज इंडिया इज ऑल्सो पुलिंग बैक इट्स पर्सोनल्स इन द कंसलेट इन अफगानिस्तान। सेकेंड है कि अगर तालिबान पावर में आ जाता है तो जो रेडिकलाइजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा, इनको एक अनचेक्ड एरिया मिल जाएगा अफगानिस्तान में कि ताकि वो वहाँ से ऑपरेट कर सके और इंडिया के अगेंस्ट टारगेट लॉन्च कर सके, विच विल बी वेरी ग्रेट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। द सेकेंड वन विल बी दैट कि तालिबान के कंट्रोल के आ जाने की वजह से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान मिलिट्री का इंटरवेंशन जो है अफगानिस्तान में वो बहुत बढ़ जाएगा, तो इंडिया का जो डेवलपमेंटल रोल है पाकिस्तान अफगानिस्तान में दैट विल बी सेकेंडरी। ओके, दैट विल नॉट बी प्राइमरी, तो इंडिया विल लूज इट्स गुडविल इन अफगानिस्तान। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि इंडिया वॉज डेवलपिंग द छाबार पोर्ट सो दैट इंडिया कैन हैव ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, पर अगर तालिबान का रूल आ जाता है तो द ट्रेड विल टेक प्लेस थ्रू ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान नियर कराची, नॉट थ्रू छाबार पोर्ट, सो दिस विल बी द जियो पॉलिटिकल लॉस टू इंडिया। उसके बाद द फोर्थ एंड मेजर ऑप्शन इज दैट ग्रोइंग रेडिकलाइजेशन विल
hamper the internal as well as external security of India. So the growing radicalization in India's neighborhood. तो अगर आप इंडियाज़ नेबरहुड देखोगे तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है. सो देर मे बी मैनी रेडिकल ग्रुप्स लिविंग ओवर हियर. सो दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर इंडिया. अब इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन तो ये है कि इंडिया अपने प्रिंसिपल को स्टिक करे और जो वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है सिर्फ उसी को सपोर्ट करे. बट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अब जैसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन तक वहाँ पर दे आर नॉट गोइंग टू हैव देयर रूल. द सेकेंड इज दैट कि जो वहाँ की जो अफगानिस्तान की जो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स है ANDSF, उनको मिलिट्री मटेरियल सप्लाई करे और उनको हेल्प करे टू फाइट द तालिबान. ओके, द थर्ड इज दैट इट सेलिब्रेट्स इट्स कॉन्टैक्ट. ओके, इट एक्सेलरेट इट्स कॉन्टैक्ट विद तालिबान. बट क्योंकि पाकिस्तान का पहले ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर, तो इंडिया को वहाँ पर स्पेस बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. चौथा है कि इंडिया वेट एंड वॉच करे, पहले देखे कि सिचुएशन कैसे एमर्ज हो रहा है और उसके बाद ही कोई डिसीजन ले. उसके बाद इंटरनेशनल वैक्सीन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आ रही है. इंटरनेशनल वैक्सीन मतलब थ्रू नोस द वैक्सीन विल बी गिवन. दिस वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक. इस वैक्सीन का नाम है BB-V154. सो दिस अ इंटरनेशनल वैक्सीन एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. इसका फेज वन ट्रायल हो चुका है, फेज टू फेज थ्री ट्रायल जाने वाला है. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वॉट टाइप ऑफ वैक्सीन इट इज. सो इफ यू विल सी द इंफॉर्मेशन इज हियर दैट इट इज़ अ इंटरनेशनल रेप्लिकेशन डेफिशियंट चिंपैंजी एडोनो वायरस वेक्टर वैक्सीन. मतलब रेप्लीकेट नहीं करेगा. हम लोगों ने पिछले एडिटोरियल में देखा था कि रेप्लीकेटेड और नॉन रेप्लीकेटेड वैक्सीन कौन से होते हैं. कोरोना के जितने भी वैक्सीन है वो नॉन रेप्लिकेटेड टाइप में ही है. सेकेंड, जो इसका डेवलपमेंट है वो भारत बायोटेक कर रही है, बट इट इज़ सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स PSU बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल. यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का एक डेटा आया हुआ है दैट इट ऑथराइज ₹2,794 करोड़ फॉर कोविड ट्रीटमेंट बिटवीन अप्रैल 2022 जुलाई 2021. ओके, सो यहाँ पे जो एक इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये है कि द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशन वाइड रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम. इस स्कीम के तहत जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, और इसके तहत पैसा दिया जाता है लोगों को 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर एनम. उसके बाद प्री सीकिंग डिसीजंस ऑन रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स. तो एक क्लास 12 स्टूडेंट ने प्ली डाला है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमने 2 दिन या 3 दिन पहले किया था कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसका जो 63% जो खर्चा है, ओके, द 65% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पोल्ट्री फीड पोल्ट्री इज द इट गोज फॉर द पोल्ट्री फीड. तो जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है फॉर पोल्ट्री इंडस्ट्री 65% इज फॉर द फीड. बट हमने देखा कि जो सोया मील है इसका कॉस्ट इंडिया में 34 kg से 96 kg बढ़ गया. तो देर वॉज अ डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्री टू इम्पोर्ट GM सोय जेनेटिकली मॉडिफाइड सोय मील फॉर पोल्ट्री सेक्टर. सो नाउ गवर्नमेंट हैज़ अलाउड इट. इसमें बस एक दिक्कत क्या है कि वो ये दिक्कत ये है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जब हम यूज़ करते हैं कोई भी क्रॉप विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड उसका प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए. बट यहाँ पर क्योंकि हमने सीधा इसको डायरेक्टली इम्पोर्ट किया है और हम उसको यूज़ करेंगे, तो इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट विल एंटर द ह्यूमन फूड चेन. एंड इंडिया में अभी भी इसका कोई रेगुलेटरी सिस्टम हमने नहीं बनाया है कि दैट हाउ वी विल अप्रूव द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. ओके, उसके बाद एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का डेयरिंग का एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि दैट सिंस सोया इज डी ऑयल्ड एंड क्रश्ड केक इट डज नॉट कंटेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अगर ये जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो हमको अभी जानने की बात नहीं है. ओके,
यहाँ पे एक एक्ट का नाम आ रहा है, वो ये है कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विल बी कवर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, सो दे आर कवर्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड इट्स रूल 1989। अब हम आते हैं तालिबान पे, तालिबान के स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो यहाँ पे देखिए तालिबान की स्ट्रैटेजी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। इस पूरे चार्ट में सिटी बाय सिटी कैसे फॉल हुआ उसके बारे में है। तो तालिबान ने सबसे पहले क्या किया कि तालिबान ने सबसे पहले उन जगहों को टारगेट किया जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में थे, जो काबुल से दूर थे। पहले उसने उन एरियाज़ को टारगेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे बदख्शां और ठाकर प्रोविंस को उन्होंने कैप्चर किया। इसके बाद जब उन्होंने ये कैप्चर कर लिया, द सेकेंड दे स्टार्टेड टारगेटिंग वॉज द क्रॉस बॉर्डर्स विद ताजिकिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। इन तीन कंट्रीज़ के साथ दे द क्रॉस बॉर्डर्स जितने थे उसको उन्होंने टारगेट किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि कौन कौन सा क्रॉसिंग क्रॉस बॉर्डर किस किस कंट्री को लगता है। सो वी विल सी शेर खान बंदर क्रॉसिंग, इट इज़ विद ताजिकिस्तान। देन इस्लाम किला क्रॉसिंग, इट इज़ विद ईरान। एंड देन स्पिन बोल्दा क्रॉसिंग, इट इज़ विद पाकिस्तान। यहाँ पे तालिबान को फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे उन्होंने क्रॉसिंग को कैप्चर कर लिया तो यहाँ पे दो फायदा हुआ। पहला फायदा ये था कि कोई भी कंट्री अगर अफगानिस्तान को मिलिट्रीली हेल्प करना चाहती है तो वो हेल्प नहीं कर पाएगी। सेकेंड कि इसी क्रॉस बॉर्डर के थ्रू ट्रेड भी होता है, तो अब अगर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर पे अपना कब्जा बना लिया है तो ट्रेड के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो काबुल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। एक बार जब उन्होंने ये कवर कर लिया, देन दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द इम्पॉर्टेंट सिटीज सच एज कंधार, मजार ए शरीफ, कुंडूज एंड गजनी। अभी जो रिसेंटली जो कंधार को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया है, विच इज़ वन इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन अफगानिस्तान। अब क्या काबुल डेंजर में है? यस, काबुल डेंजर में है। क्यों? क्योंकि आफ्टर द फॉल ऑफ गजनी, तो गजनी जो है इट सिट्स बिटवीन काबुल एंड कांधार रोड। अब कांधार भी चले गया, गजनी भी चले गया, तो इसका मतलब कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है ना, बस इस एरिया को छोड़ के कैन यू सी द होल एरिया हैज़ बीन कैप्चर्ड बाई अफगानिस्तान। इट मीन्स द सपोर्ट कैनॉट कम टू अफगानिस्तान फ्रॉम एनी ऑफ द एरिया बिकॉज इट विल बी ब्लॉक्ड बाई तालिबान। सो ओवर हियर नाउ द डेंजर ऑन काबुल हैज़ इंक्रीज। कितने दिन में काबुल को कैप्चर कर सकती है तालिबान? तो पहले US इंटेलिजेंस ने बताया था कि 6 महीना लगेगा, बट अब वो कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर दे कैन कैप्चर इट। देन वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज कमिंग, ये टसल चल रहा है G7 में भी इसकी बात उठी थी कि देर शुड बी द प्रोब ऑन द कोरोना वायरस ओरिजिन, बट चाइना इज नाउ सेइंग कि नो, देर शुड बी नो प्रोब ऑन द ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस। क्योंकि दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप कह रहा है कि इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैट एंड द सेकेंड ग्रुप इज सेइंग दैट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैब इन वुहान। ओके नाउ जुलाई एक्सपोर्ट्स राइजेज 49.9%, इम्पोर्ट सर्जेस टू 63%। नो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेड डेफिसिट। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? द डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मीन्स इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज ट्रेड डेफिसिट। इंडिया में हमेशा अधिकतर इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो दैट्स वाई आवर ट्रेड डेफिसिट इज ऑलवेज इन द मीन्स वी नेवर हैव ट्रेड सरप्लस। अगर एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट वी हैव ट्रेड सरप्लस, एंड इफ इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वी हैव ट्रेड डेफिसिट। सो इंडिया में ट्रेड डेफिसिट अधिकतर हम ट्रेड डेफिसिट ही देखते हैं। सो इंडिया में जो ट्रेड डेफिसिट है इट हैज़ वाइडन टू $10.97 बिलियन, बट इंडिया में एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ओके इंडिया में एक्सपोर्ट कौन कौन से सेक्टर्स में बढ़ा है? सो इंडिया के देखिए जो वो सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट के लिए बहुत माने जाते हैं, दे आर पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट्स, दे हैव शोन इंक्रीज इन द ट्रेंड। बट एट द सेम टाइम इम्पोर्ट भी बढ़ गया है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा बढ़ा है। खास करके अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल इम्पोर्ट हैज सोल्ड बाई 97.5%। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज़ द रिकवरी ऑफ ग्लोबल डिमांड, देर इज़ द रिकवरी ऑफ ग्लोबल डिमांड। बिकॉज ऑफ दिस द एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग बिकॉज डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग, बट एज वेल एज इम्पोर्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज इंडिया में भी अब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो रही है।
उसके बाद हम आते हैं व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पे, इसकी हम बात करते हैं। तो अभी अभी आप प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ही हैज़ अनाउंस्ड नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग स्क्रैपेज पॉलिसी एंड द एम इज़ टू प्रमोट द सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, इसका मतलब कि इफ़ एनी बडी सेल देयर ओल्ड कार सो इट विल बी रिफर्बिश्ड इन टू न्यू कार, एक रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ही वॉज एड्रेसिंग दैट द पॉलिसी इज एम्ड एट रिसाइकलिंग द ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स विच विल गिव अ न्यू आइडेंटिटी टू इंडियाज मोबिलिटी एंड ऑटो सेक्टर। ये इन्होंने इन्वेस्टर समिट में बोला जो गांधीनगर में ऑर्गेनाइज था। ओके, तो ये जो है यहाँ पे ये प्रोग्राम जो ये पॉलिसी आया क्यों, तो हम अगर यूनियन बजट 2020-21 देखेंगे तो वहाँ पे एक व्हीकल स्क्रैपिंग व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात हुई थी कि अगर कोई पब्लिक व्हीकल 15 साल से पुराना है देन इट विल नॉट बी अलाउड टू रन ऑन द रोड, और कोई पर्सनल व्हीकल 20 साल से पुराना है तो दे विल नॉट बी अलाउड टू रन ऑन द रोड अनलेस एंड अनटिल दे गिव द फिटनेस सर्टिफिकेट, दे गिव द फिटनेस सर्टिफिकेट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सो सेंसेक्स, सेंसेक्स में इट हैज़ पास्ड द 55,000 पॉइंट बाई इंक्रीजिंग द 593 पॉइंट्स। अब इसका फैक्टर क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इन्फ्लेशन 6% के ऊपर था, अब इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट द इन्फ्लेशन कूलिंग देन स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट रिजल्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। उसके बाद देर आर फ्यू सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल MSME, जिसको गवर्नमेंट काफ़ी RBI काफ़ी प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट भी उनके लिए अलग से फाइनेंशियल चैनल्स निकाल, फंडिंग चैनल्स निकाल रही है। ऑल दिस थिंग्स विल बी हैज़ लेड टू इंक्रीज इन सेंसेक्स पॉइंट्स। अब हम फटाफट एडिटोरियल को देख लेते हैं। एडिटोरियल बहुत ही इस बार के अच्छे आए हैं। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही बात करूँगा, स्लैंटिंग पोस्ट मैं सिर्फ एक इशू, छोटी सी इशू है, वो इशू ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में, उन्होंने एक बच्चे किसी किड का जो रेप हुआ था उसके घर का पता डाल दिया। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। इफ़ यू विल सी द सेक्शन 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड सेक्शन 23(2) ऑफ द पॉस्को एक्ट ओके 2012, दे बोथ से दैट एनी मटेरियल दैट माइट रिवील डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम ऑफ अ क्राइम शाल नॉट बी पब्लिश, बट इस पोस्ट ने उसके उलट काम कर दिया। ओके, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो पोस्ट आया तो द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दे फाइल्ड द कंप्लेन टू ट्विटर एंड देन ट्विटर इट ब्लॉक द अकाउंट ऑफ सेवरल हाई प्रोफाइल लीडर्स ऑफ दैट पार्टी। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा इशू है। अब हम अफगान ट्रेजेडी की बात करते हैं जो आपके एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कि हम ये देख लेते हैं कि कांधार, हेरात इंपॉर्टेंट सिटीज, सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट सिटीज नाउ आर इन तालिबान हैंड। दे हैव ऑल्सो सीज्ड घजनी विच लाई ऑन काबुल कंधार हाईवे। नाउ अगर हम देखेंगे तो 8 दिन में 17 सिटीज़ तालिबान के कैप्चर में आ चुकी है। और जैसे हमने बात किया द US इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे आर सेइंग दैट नाउ विद इन 90 डेज काबुल विल ऑल्सो बी इन द हैंड ऑफ तालिबान। ओके, यहाँ पे एक फैक्चुअल मैसेज है दैट हु इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान, देन ही इज हिबातुल्ला अखुंदजादा, सो दिस नेम यू शुड रिमेंबर। फाइन, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि US ने तो अभी बस अनाउंस किया है August 31 को दे विल फाइनली लीव अफगानिस्तान। ओके, तो यहाँ पे एक ये है कि एक US तालिबान में दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में 4 पॉइंट थे। एक पॉइंट तो यही था कि US विल लीव अफगानिस्तान। 3 पॉइंट रिलेटेड थे तालिबान के से रिलेटेड कि दैट तालिबान विल नॉट गो फॉर ऑफेंसिव किलिंग पीपल इन अफगानिस्तान। सेकेंड, दे विल शेयर पावर इन अफगानिस्तान पॉलिटिक्स। थर्ड, दे विल नॉट गिव देयर टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल फॉर एनी टेररिस्ट ग्रुप। इसमें से US ने अपनी बात मान ली, तालिबान ने अभी तक अपनी बात नहीं मानी। दिस डील लेजिटिमाइज द तालिबान, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो विदड्रॉवल ऑफ अमेरिका इज नाउ अस गिविंग अ सेंस ऑफ विक्ट्री टू अफगान तालिबान। ओके, नाउ सेकेंड थिंग है कि
यूएस विदड्रॉवल के वजह से जो वहाँ की अफगान नेशनल गवर्नमेंट थी, जिसके प्रेसिडेंट अशरफ घानी थे, हैं अभी भी, उन्होंने उस गवर्नमेंट में डिवीजन हो गया. ओके क्योंकि नाउ अब यूएस के जाने के बाद देर इज़ नो वन हु कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी कवर. तो बिकॉज ऑफ दिस द थिंग हैज़ हैपेंड. नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन द होल गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेजेंट द यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द तालिबान. फिर एक पॉलिसी जो थी जो अशरफ घानी जी ने फॉलो किया था अफगानिस्तान में, कि उन्होंने वॉर लॉर्ड्स को कभी भी अपने नेशनल आर्मी का पार्ट नहीं बनाया, अपने गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनाया, उसको उन्होंने साइडलाइन किया. अब इन तालिबान के अगेंस्ट जो अफगानिस्तान की जो फोर्स है, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स, वो तो लड़ नहीं पा रही है. तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है? वॉर लॉर्ड्स. बट वॉर लॉर्ड्स पहले से ही एलियनेटेड हो चुके हैं बाई दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट. सो दैट्स वाई दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन फाइट अगेंस्ट तालिबान. ओके सो दिस इज द आर्टिकल ऑल अबाउट. अब हम आते हैं एन इंडियन सेल टू नेविगेट द मैरीटाइम इन्वायरमेंट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इस इंपॉर्टेंट का बैकग्राउंड क्या है? जो हमने कल डिस्कस किया था, 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन एनहांसिंग मैरी टाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इस आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, या ये आर्टिकल किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है? ये आर्टिकल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि वाई इंडिया कैन बी लीडर इन प्रोवाइडिंग द मैरी टाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशियन रीजन एंड बियॉन्ड. तो इसके पीछे जो रीजन्स दिया जा रहा है, पहला है मैरी टाइम ट्रेडिशंस. सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया इज हैविंग द मैरी टाइम ट्रेड विथ मेसोपोटामिया एंड अदर कंट्रीज. जो दो लोथल इट वॉज द मैरी टाइम पोर्ट ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. लोथल कहाँ पे है? लोथल इज इन गुजरात राइट नाउ. ओके उसके साथ साथ अगर हम आगे की हिस्ट्री भी देखते हैं, तो बुद्धिज्म और हिंदुज्म का स्प्रेड जो है वो इन्हीं पोर्ट के थ्रू हुआ. उसके बाद आज के ज़माने की बात करें, तो इंडिया का एक प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड एज सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. नाउ यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, टू डेवलप अ कोऑपरेटिव एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर मैरी टाइम सिक्योरिटी टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स. ओके यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि वाई ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज कंडक्टेड थ्रू मैरी टाइम रूट्स एंड दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. हमको अगर हम देखेंगे कि अगर स्वेज कैनाल का जो अभी अभी ब्लॉकेज हुआ था, उसके वजह से वर्थ ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रेड वेर इंटरप्टेड. ओके तो यहाँ पे इसका इम्पॉर्टेंट है. नाउ अब अगर हम बात करें, तो दो कॉन्सेप्ट है, एक है मेर लाइबेरियम, एक है मेर क्लाउजम. मेर लाइबेरियम का मतलब होता है ओपन सी, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. उसके बाद मेर क्लोजम का मतलब होता है कि क्लोज सी, जहाँ जो चाइना प्रैक्टिस करती है. ओके अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दो मैरीटाइम डिस्प्यूट के बारे में डिसीजन दिया है. एक था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और दूसरा था साउथ चाइना सी और फिलीपींस के बीच में. जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट था, व्हेन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फेवर्ड इन द रूल ऑफ बांग्लादेश, इंडिया एक्सेप्टेड इट. एंड इफ यू कंपेयर दिस विद चाइना, सो चाइना ब्लेटेंटली रेफ्यूज्ड इट. ओके उसके बाद ओशियंस जो हैं वो नेचुरल डिजास्टर के भी सोर्स हैं, एंड सच एज साइक्लोन, सुनामी एंड मैरीटाइम पॉल्यूशन. तो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो देखा गया है कि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, विच कैन बी सीन थ्रू बॉक्सिंग डे सुनामी विच हैपन इन 2004, व्हेन इंडियन एयरफोर्स एयरलिफ्टेड 30 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल टू मॉरिशियस इन ऑगस्ट 2020. ओके उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात करें, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इट इज़ ऑपरेटिंग द रीच एंड कैपेबिलिटी हैज़ वास्टली इम्प्रूव. और अभी अभी इसका इलेक्शन जो है वो हुआ है फॉर द रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बेटिंग प्राइवेसी एंड आर्म रॉबरी अगेंस्ट शिप इन एशिया. तो इसके इलेक्शन में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ओके तो ये शो करता है इंडिया का स्ट्रेंथ. उसके बाद इंडिया नेवी का एक इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन गुरुग्राम में बेस्ड है, जहाँ पे मेंबर्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, दे आर पार्ट ऑफ इट.
उसके बाद कमिंग टू द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, तो ओशंस रिमेन्स आवर लाइफ लाइन, येट दे हैव बीन ओवरवेन बाई प्लास्टिक वेस्ट, जो मैंने अभी बात किया था, और ये पूरे फूड चेन को इम्पैक्ट करते हैं. ओके उसके बाद द सेकेंड इशू विद ओशंस इज डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये मेजर प्रायोरिटी है. एंड इफ यू वॉन्ट टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. अब USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक कंसोर्टियम है जिसको हम कहते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क. दिस ब्लू डॉट नेटवर्क प्रमोट्स बेटर स्टैंडर्ड्स एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके उसको रेटिंग देती है. देन प्राइमरी ऑफ UNCLOS, तो हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो UNCLOS को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है. UNCLOS इज द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. ओके इंडिया जो US है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है, बट इंडिया इज द सिग्नेटरी ऑफ दिस. UNCLOS जो है वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओपन सी के कॉन्सेप्ट को भी फेवर करता है. सो दैट्स वाई द ऑथर इज सेइंग दैट देयर इज द टाइम हैज कम दैट वी शुड गिव वेटेज टू UNCLOS. नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इसमें एक हिस्ट्री डिस्कस हुआ है और वो हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसमें दो एरिया को कंपेयर किया गया है और हमारा आगे का फ्यूचर कैसे होना चाहिए वो भी इसमें डिस्कस किया गया है. सो ग्रोथ नीड स्टेप्स बियॉन्ड रिफॉर्म, तो इस पूरे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो 1991 का था उसके बाद हमने क्या स्टेप लिया वो डिस्कस किया गया है. यहाँ पे जो की शिफ्ट था वो था दैट वी डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क ऑफ लाइसेंसेस कंट्रोल्स एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम बिफोर 1991. Then in redesigning the role of state and allowing the larger role for private sector, and then we instead of having the inward look towards global trade we had the outward look. ठीक है ना, और इससे क्या हुआ कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर गया. इस पूरे पीरियड में तीन लोग बहुत ही क्रूशियल थे उस वक्त. द फर्स्ट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर पी चिदम्बरम हु वॉज द कॉमर्स मिनिस्टर, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम पी वी नरसिम्हा राव. अब अगर हम बात करें कि 1991 का इम्पैक्ट क्या हुआ है अभी तक, तो अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा गया है कि दैट बिटवीन 1992 1993 एंड 2000-2001 GDP एट फैक्टर कॉस्ट. GDP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि GDP विदाउट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हम टैक्स इंक्लूड नहीं करते. सो GDP एट फैक्टर कॉस्ट ग्रू एनुअली बाई 6.2%. अगर हम 2001-2 एंड 2010-11 की बात करें तो GDP इंक्रीज बाई 7.69%. ओके बेस्ट परफॉर्मेंस था 2005-6 से लेके 2010-11 तक, जब GDP ग्रोथ रेट था 8.7%. ओके और ये वही पीरियड है जब इंडिया ने इफेक्टिवली 2008 का ग्लोबल क्राइसिस भी टैकल कर लिया था. नाउ अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 के बाद वैसा सिचुएशन फिर नहीं आया. तीन साल हमने ऐसा देखा है कि जब करंट अकाउंट जो है इट वाज इन सरप्लस, एंड मोस्ट ऑफ द इयर्स देयर वाज ओनली अ डेफिसिट बट अ वेरी स्मॉल डेफिसिट एक्सेप्ट फॉर 2011-12 एंड 2012-13 व्हेन इट एक्सीडेड 4%. ओके और इसका भी हमने ख्याल रख लिया था. कुछ फैक्टर्स पॉलिसीज डिसीजंस ऐसे हैं जो हमको बहुत फेवर करते हैं. फॉर एग्जांपल द ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर विच इंक्लूडेड लिबरल ट्रेड पॉलिसी, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट एंड लिबरल फ्लो ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हैज ग्रेटली स्ट्रेंथन द एक्सटर्नल सेक्टर. ओके तो हमको अब ऐसे ही चलना चाहिए. अच्छा पावर्टी पे कुछ इफेक्ट हुआ क्या? तो अगर हम पावर्टी की बात करें तो हम सिर्फ अगर तेंदुलकर कमेटी की रेशियो को लें तो पावर्टी जो है वो 45.3% थी 1993-1994 में, 2011-12 आते आते ये 21.9% हो गया है. अगर हम पर ईयर पावर्टी रिडक्शन की बात करें तो 2004-5 और 2011-12 के बीच में वो 2.18% रहा है. ओके अब अगर हम इस लास्ट पैराग्राफ में बात करें तो यहाँ पे ये है कि ग्रोथ इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, ग्रोथ इज अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ इनफ कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट. तो ग्रोथ के साथ साथ हमको दो चीज़ें और चाहिए होती हैं. एक होती है इन्वेस्टमेंट. ओके द ग्रोथ शुड ट्रांसलेट इन टू इन्वेस्टमेंट. जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी का जो एनिमल स्पिरिट है वो उतना ही ज़्यादा बाहर आएगा. ओके
और अभी COVID-19 के केस में ये हमने डिक्रीज होते हुए देखा है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट नीड फॉर कंटिन्यूटी, कि हमको इसी पॉलिसी के साथ बढ़ते रहना चाहिए और इसी में कुछ चेंजेस करना चाहिए, एंड वी शुड लुक फॉर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी एंड अचीविंग द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब दिस इज़ द केस स्टडी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है हमने पहले भी इसको कवर कर रखा है। इसमें जो पूरी डिस्प्यूट है वो पूरी ये है कि पहली बात तो एक दो रेगुलेशंस हैं, एक 1933 का और एक 1875 का। जो 1875 का जो रेगुलेशन है वो यहाँ पे है, द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 विच प्रिस्क्राइब्स अ परमिट फॉर इंडियंस बियॉन्ड मिजोराम टू एंटर द टेरिटरी। ओके, अब ये जो है मिजोराम के जो लोग हैं वो इस डिमार्केशन को मानते हैं। असम में जो सेकंड डिमार्केशन हुआ 1993 में उसको मानते हैं। जब असम वाज बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन टेरिटरी एंड लेटर ऑन एज द स्टेट, तो जो बाउंड्री डिमार्केशन हुआ था वो 1933 के हिसाब से ही हुआ था। मिजो पीपल लोग का कहना है कि हम सिर्फ 1873 वाला, जो 1875 वाला डिमार्केशन है, हम सिर्फ उसको ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिमार्केशन हमारे एल्डर्स से, हमारे लोगों से पूछ के हुआ था, और 1933 का जो डिमार्केशन है वो हमसे पूछ के नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कुछ एक एरियाज़ हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उस एरिया, फॉर एग्जांपल आइतलांग। तो ये दिस एरिया, ये सब जो एरियाज़ हैं यहीं पे डिस्प्यूट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ठीक से डिमार्केशन नहीं है कि ये असम का है या ये मिज़ोराम का है। सेकेंडली ये देखा गया कि एंक्रोचमेंट जो है वो बढ़ने लगी दोनों साइड से। ओके, सो दिस लेड टू द July 26 कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी क्या केस है कि जब असम ने पहले ब्लॉकेट किया नेशनल हाईवे 306, बाद में वो ब्लॉकेट को हटाया, नाउ बोथ द चीफ मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू हैव द टॉक ऑन दैट इशू। ओके, सो दिस इज द होल इशू अबाउट। यहाँ पे एक जो नया वो आया है वो ये आया है कि बांग्लादेश बोगी, कि कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम द बांग्लादेश दिस प्रॉब्लम इज ग्रोइंग, बट देर आर सर्टन पीपल फ्रॉम मिजोराम हु आर सेइंग कि नो, इट इज़ नॉट अबाउट बांग्लादेश, इट इज़ ऑल अबाउट दी नॉट द प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ द बॉर्डर्स अलॉन्ग द लायलापुर एरिया। ओके, सो दिस इज द होल इशू। सो वी विल मीट टुमारो, नॉट टुमारो, वी विल मीट ऑन मंडे अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू मनु लॉ क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।